शहर के अलग अलग स्थानों से चोरी की गई दो एक्टिवा वाहन का खुलासा कोतवाली में किया गया। कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़की लड़के का भेष बनाकर रखी है, जिसका गाड़ी नंबर भी संदिग्ध लग रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ाई के मार्गदर्शन पर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी दुर्गेश शर्मा एवं कोतवाली स्टाफ के द्वारा इमली डुगु चौक के पास नाकेबंदी कर संदिग्ध युवती को एक्टिवा के साथ पकड़ लिया गया। कोरबन नगर पुलिस अधीक्षक ने खुलासे में बताया कि युवती भारती यादव, पिता बाबूलाल यादव, उम्र 19 वर्ष, लड़कों का भेष बनाकर गाड़ियों की चोरी करती थी। गाड़ी चोरी करने के बाद वह उसका नंबर प्लेट बदल देती थी और उसे बेचने के फिरात में लगी थी। युवती ने बताया वे अपने शौक पूरे करने के लिए इस काम को अंजाम देती थी। युवती से दो एक्टिवा वाहन बरामद कर युवती को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आप सभी से पत्रकार साथियों के माध्यम से कोरबा पुलिस अपील करती है कि आप अपने घर में, अपने संस्थान में सीसीटीवी जरूर लगाएं। सीसीटीवी लगाने से अपराध होने के पश्चात आरोपियों के पता साजी में बहुत ही पुलिस को मदद मिलती है। धन्यवाद सर। अभी जो क्लीन योजना के तहत अभी क्या व्यापार मिशन सिक्योर सिटी बिलासपुर रेंज के आईजी साहब की योजना मिशन सिक्योर सिटी, जिसके तहत हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी के माध्यम से कवर किया जा रहा है, ताकि किसी भी घटना होने के पहले और होने के पश्चात आरोपियों की पतासाजी की जा सके। क्या इसके लिए क्या व्यापारियों की बैठक या फिर दुकानदारों की बैठक? समय समय पर पुलिस जो है व्यापारियों से अपील करती है, उनके सहयोग से विभिन्न चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगवा रही है। सर, अभी तक शहर में कितने कैमरे लगाए जा चुके हैं और कितने लगाने चाहते हैं आप? इसकी जानकारी नहीं है। बताएंगे पूरा मामला क्या? कल शाम को हमको सूचना मिली कि एक लड़की है जो लड़के के भेष में घूम रही है और ग्रे कलर की एक्टिवा में, ये एक्टिवा चोरी की है ऐसी सूचना थी, तो इसको रोक के पूछताछ किया गया। तो इसका जब नंबर चेक किया गया तो नंबर पिकअप का होना पाया गया, तो इससे पूछताछ किया तो ये स्वीकारी की ये चोरी की एक्टिवा है जो करीब एक साल पहले इसने चुराई थी। और इससे जब डिटेल पूछताछ की गई तो इसने इसकी निशानदेही पर इसके घर से एक एक्टिवा और मिली, जिसका अपराध भी कोतवाली में कायम है। और एक एक्टिवा में 41-4 में दो अपराधों में इसकी गिरफ्तारी की गई है, तो इसको जेल भेजा गया। सर, इसका भेष कैसा है, किस तरह करती थी? ये लड़के का भेष धारण करती है, आमतौर पर इसको पहचान नहीं पाएंगे कि आपकी ये लड़की है। बोलचाल भी इसकी लड़कों की तरह है, तो बहुत आसानी से घुल मिल जाती थी। आसानी से होंडा शाइन की चाबी से एक्टिवा के लॉक जो ढीले होते थे उसको खोलती है, निकाल के ले जाती है। पूछताछ में क्या बातें सामने आई, मतलब क्यों करती थी, ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी चोरी? इसका बुरी संगत का असर है। इसने बताया कि शौक के कारण चोरी की और फिर उसको बेचने के प्रयास में भी थी, बेचने के प्रयास में घूम रही थी, तो सूचना मिली उसके आधार पर फिर उसको गिरफ्तार किया। इसकी आर्थिक बैकग्राउंड क्या, घर की स्थिति कैसी है? घर में आर्थिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, इसके घर में माता जी नहीं, पिताजी इसके छोटे से दुकान चलाते हैं।